भाई ये दुकान है, इधर आ जाओ। ऐसा लगा माइंड में आगे तुमको? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा। जियारत किए कि नहीं किया? चलो संभाल के भैया, अभी मैं हूँ माहिम में, तो आपको पूरी वीडियो दिखा दूँ क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहो, हमारे पीछे देखो मजार शरीफ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहो, आप पूरी वीडियो देखो, मतलब कितनी स्मूथ कितनी अच्छी है। तो भैया सबसे पहले आपको मजार शरीफ दिखाते, तो हम मजार शरीफ के पास में क्राउड चेक करो। ये देखो, ये माहिम का सबसे मैन पॉइंट जगह है जहाँ पे फूल वगैरह सारे चीज बिकते हैं। आप सामने देखो, मतलब बाबा जो है बेनहाक रहे हैं पैसे के लिए। और मजार शरीफ के अंदर भी आपको लेके जाऊंगा और मेला भी दिखाऊंगा, झूला भी दिखाऊंगा, खाना क्या है यहां का, सबसे फेमस मेले में क्या मिलता है, सब दिखाऊंगा। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और देखो ये फूल वाले एक लाइन से फूल बेचते हैं। भाई ये दुकान है, इधर आ जाओ, बोल ना माइक में। देखो मतलब भैया बता रहे थे कि मेरे दुकान पे आओ, तो भैया अगर आप माहिम मेला आते हो तो इनके दुकान पे जरूर एक बार आइए। बाकी आप सामने देखो मजार शरीफ, जो अभी इस पे लाइटिंग नहीं लगी है, जब लाइटिंग लग जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है बाबा का मैन मजार शरीफ, तो आप लोग दीदार कर सकते हो एकदम लाइव। तो कि आपको मतलब यार इतनी अंदर से खुशी होती है जब यहाँ पे जाओ और यहाँ का वीडियो बनाओ ना, कसम से बता रहा हूँ, क्या बताऊँ। तो ये माइन गेट है, मतलब माहिम माइन गेट यही है। बाकी आप क्राउड चेक करो कितना ज़्यादा यहाँ पे, करोड़ों के तादाद में तो पब्लिक रहती है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा, तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहे हो। आप क्राउड चेक करो, मतलब पीछे से लेके यहाँ तक कितना ज़्यादा क्राउड है। और ये मेला लगता है अपना दिसंबर से, मतलब दिसंबर के वही 27 तारीख से चालू हो जाता है मेला, और हफ्ता खान मेला रहता है। और मेला इतना अच्छा रहता है कि क्या बताऊँ। अब यहाँ पे माहिम का सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ शो बढ़ाता है तो वो बढ़ाता है फूल। आपने माहिम के अंदर की देख ले, अब बाबा के एक बार चेक करो, मतलब जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप देखो इधर उधर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बिकता है तो वो है मेले में हलवा पराठा। तो मैं अभी हलवा पराठा भी लूँगा यार कुछ खाने के लिए। बाकी आप पब्लिक देखो कहाँ से आ रही है, उठा के मैंने दिखाया कैमरा, आप देखो कहाँ से पब्लिक आ रही है। मैं बाबा से कितनी दूर चला आया तो अभी यहाँ तक पूरी पब्लिक आएगी, यहाँ तक पूरी पब्लिक आएगी, कितनी दूर तक पब्लिक आएगी यार, मतलब यार कोई जवाब नहीं है, इतना बाबा से लोग प्यार करने वाले हैं यहाँ पर। फिर हमें मिल जाते हैं कुछ हमारे सब्सक्राइबर, तो आप उनकी पहले आवाज़ सुनिए मेरे सब्सक्राइबर की। ऐसा लगा माइंड में आगे तुमको? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा लगा। जियारत किए कि नहीं किया? चलो संभाल के जाओ घर पे। तो सुन लिया भाई मेरे सब्सक्राइबर की आवाज़, मतलब ये ऐसे मेरे से बोल रहे हैं कि आप अच्छे से आए घर के जाओ। तो भाई जब आप लोग मिलते हो तो बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है, लेकिन बाकी आप, मैं बहुत दूर आ चुका हूँ मजार शरीफ से, और आप मजार शरीफ तक पूरा भीड़ देखो, तो कोई भी काम करो लेकिन एक बार काम छोड़ के आप माहिम मेला ज़रूर आओ। बाकी मैं हलवा पराठा ले रहा हूँ, तो आप हलवा पराठा का लुक चेक कर सकते हो, मतलब हलवा में तो भैया इतना ज़्यादा क्या बताएं, क्या क्या डाल के रखे, इतना अच्छा लगता है, पराठा भी उतना ही खूबसूरत है। तो देखते ही मुँह में पानी आ गया, तो मैं फटाफट से 50 रुपये का पैक करा लेता हूँ। अभी तो नहीं खाऊंगा, रेस्टोरेंट पे जाके खाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मेले में ऐसे खड़े होके खाने में यार कुछ ना अच्छा नहीं लगता। बाकी आप सामने देखो, पब्लिक देखो, ये खाने की गली है, इसमें सामान वामान बिकता है, खाना वाना बिकता है। तो आप पब्लिक देखो कितना ज़्यादा है, यहाँ से लेके उधर पूरा मजार शरीफ, कितनी दूर से मैं आ गया मजार शरीफ से उस तरफ, अभी मैं पब्लिक में घुसा जा रहा हूँ। तो भाई एक बार आप ज़रूर यहाँ, मतलब कोई भी काम करो छोड़ छाड़ के, भाई मेरे हिसाब से आप यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। और ये पड़ती है आपको मुंबई माहिम में, इसका नाम भी माहिम मेला है, माहिम मेला से मशहूर है ये। बाकी आप ये देखो, मतलब ये जो पूरा है इस तरफ से इस तरफ तक 160 रुपये केजी यहाँ पे हलवा पराठा मिलता है। मैं बोला ना कि आपको यहाँ का सबसे फेमस मेले में कोई खाना मिलेगा तो हलवा पराठा मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वो है बाबा फालूदा वाला, जो कि पूरे मुंबई में इसकी ब्रांच हो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये भी उसी गली में पड़ता है। बाकी आप देखो, मतलब ये जो आगे पंडाल दिख रहा है रोड पे ना, यहाँ से लेके वहाँ तक
मतलब इतना दूर है, तो भैया आपने पूरा पब्लिक देखा, मतलब कितना ज्यादा पब्लिक है। तो अब मैं, अब आपके चैन मतलब आपके खुशी के लिए मैं आपको थोड़ी देर में लेके जाने वाला हूँ झूलों की तरफ, तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और ये देखो मतलब पब्लिक देखो अभी भी कम पड़ नहीं रही है, रात रात हो गया लेकिन पब्लिक मुंबई में रात के सोते नहीं। तो भैया झूलों की तरफ आ गए, तो आप झूला देख सकते हो, मतलब यही झूला सब मेले में चलने वाला है। आप देखो कौन कौन सा झूला है, एक ऐसा सांप वाला है, एक पूरा ऐसा घूमने वाला है। ये देखो मेरा सबसे ज़्यादा डरावना तो यही झूला मेरे को लगता है, सबसे ज़्यादा डरावना मेले में तो यही झूला लगता है यार। बाकी ये रेलवे मतलब ट्रेन वाला है बच्चों के लिए, और ये जो गाड़ी दिख रही है ना ये मौत कुआं में चलेगी, और मौत कुआं भी यहाँ पर रहेगा। तो आप एक बार मेला जरूर आइए, और मेला कैसा लगा यार कमेंट करके जरूर बताइए, और बाबा के लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है। बाकी माहिम में आके कैसा लगे कमेंट में लिखना ना भूले। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।